Hi guys, Miss KG of this side. Welcome to our channel. फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमेशा की तरह मज़ेदार तो हो गई, लेकिन आज के व्लॉग से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। ये व्लॉग उनके लिए है जो लोग बनाते हैं टिकटॉक, यानी जो टिकटॉकर्स हैं। तो जो टिकटॉकर्स हैं, जो हम में हमारे घर में 5-6 हैं, उनको क्या मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो टिकटॉक बनाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। लोगों को जो टिकटॉक नहीं बनाते, सिर्फ टिकटॉक देखते और इंजॉय करते हैं, उनको लगता है कि मुंह उठाते हैं लोग, हमारे जैसे लोग अपना मुंह ऐसे करके उठाते हैं और टिकटॉक बना लेते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक टिकटॉकर है उसको कितनी तकलीफ़ों, कितनी मुसीबतों, कितनी परेशानियों से यूं करके गुजरने के बाद वो एक वीडियो बनाता है। और आपको चाहिए कि उसकी एक वीडियो की कदर करें और उसकी एक वीडियो पर जो लाइक है ना, वो हज़ारों, लाखों, करोड़ों दें, ताकि उसका दिल ना टूटे और उसकी वो जो मेहनत है वो जो है पूरी होनी चाहिए। और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरे घर में जो टिकटॉकर्स हैं उनका, कि उनको क्या क्या इश्यूज आते हैं जब वो टिकटॉक बनाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दिल टूट जाता है जब इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारे फॉलोअर कोई भी नहीं इतने होते हैं, और अगले के लाइक और फॉलोअर दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और हमारे कुछ भी नहीं होते। यकीन माने, वाकई दिल टूट जाता है। आप लोग टिकटॉक बनाते हुए आपका मूड हमेशा, चाहे जितना मर्जी ख़राब है, जितनी मर्जी आपको घर से जूतियां पड़ी बेचती हुई है, लेकिन आपको फनी वीडियो बनाने के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। ट्रेंडिंग सॉन्ग जब तक हमें मिलते हैं ना, तब तक ट्रेंड चला जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टिकटॉक की ये वाली बात बहुत है, एक्टिंग बहुत आती है लेकिन डांस बिल्कुल भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी टेंशन कपड़ों की। कपड़े 10 सूट हैं, 10 पे वीडियो बना लिया। अब 11 सूट कहाँ से लेके आए? बुटीक तो नहीं ना है हमारी, या हम कोई अभी इतने फेमस नहीं हुए हैं कि कपड़ों की लाइनें लग जाए। वाह, कोई मेरी तरह पोइट्री बोल के उस पर वीडियो बनाना चाहता है तो उस टिकटॉकर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है वीडियो, पोइट्री सेलेक्ट करना, उस पर ऑडियो बनाना, फिर उसके ऊपर एक्टिंग करना। और अगर उनमें से एक भी चीज़ गलत हो जाए तो आपको कमेंट में लोग कहते हैं ये बड़ी बकवास बनी है। उसके पीछे वाली मेहनत को भी तो देखना चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इतनी गर्मी है ना, 3 महीने हो गए हैं कि गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही, फिर भी मेकअप करके इतनी गर्मी में कैसे वीडियो बनाए। रट चाहिए क्या हो रट को। टिकटॉक की बात यही है कि इतनी गर्मी में पता नहीं कैसे बाहर खोल के टिकटॉक बनाना। तो फल्ला मुझसे तो खोले भी नहीं जानते। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोंडा। टिकटॉक का एक ये साइड इफेक्ट है कि जब भी मुझे कोई वीडियो बना रही हो, मैं पूरे करैक्टर में तरह घुस जाती हूँ, ठीक है, और उसको निकालना तो तभी निकलता तभी है जब ऐसे अम्मी की जूती लहराती लहराती आए, तो फिर देख के कह देते हैं ओ मैं तो डर गई। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। घर के कामों में इतना बंदा बिजी होता है, शीशु ने तो कुछ करना नहीं होता है, फिर भी घर के कामों से फुर्सत निकाल के, टाइम निकाल के टिकटॉक बनाना, उफ़ अल्लाह। हाँ, ये कर लो पहले। मुझे तो एक यही बहुत बड़ा मसला है टिकटॉक पे कि मुझे फ़िल्टर नहीं जल्दी सेलेक्ट होते। कौन सा फ़िल्टर जिसमें मेरी आंखों का कलर वही है जो मेरी आंखों का कलर है, और मुझे स्किन टोन की ज़रूरत तो होती नहीं है, बस मुझे बस आंखें में सेम ही आने चाहिए। ऐसे फ़िल्टर ढूंढने के लिए उसमें ज़्यादा सारा मेकअप आ जाता है, मुझे फ़िल्टर ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। ये सबसे ज़्यादा मसला आता है, जितना मर्जी याद करो लेकिन डायलॉग नहीं भूल जाता। इतने सारे डायलॉग होते हैं ना कि सर में दर्द निकल आती है। अल्लाह, पता नहीं कैसे लोग बना लेते हैं। सही पकड़े हैं। मुझसे तो कैमरे की पहली बात सेटिंग नहीं होती, और अगर मैं किसी को कह दूँ खुदा ना खास्ता तो उनकी सेटिंग मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि मेरी बड़ी अजीब सी तबीयत है, मुझे हर चीज़ अपनी पसंद है और सेटिंग मेरे से होती नहीं। इसलिए ना टिकटॉक ना एक मेरा अजाब है, अजाब। लेकिन मुझे पसंद है बहुत। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बच्चों के कामों में इतना काम, शीशु के बच्चे तो कोई काम नहीं करते और शीशु तो खुद भी नहीं कोई काम करता, और इन सब में काम करने के बावजूद टिकटॉक के टाइम निकालना, ओह माय गॉड बहुत मुश्किल है, पर फिर भी करना तो है ना। शोर बहुत डालते हैं, इतना शोर डालते हैं, इतना शोर डालते हैं, और उसमें भी टिकटॉक बनाना तो क्या नाचो मैं। टिकटॉक की सबसे बड़ी ये बात है कि मुझसे तो सॉन्ग ही नहीं सिलेक्ट होते, याद ही नहीं होते, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मसला होता है टिकटॉक बनाने का। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। जैसे आप देख रहे हैं अभी मुझे व्यू नहीं ना मिल रहा कि मैं कहाँ खड़े हो कि अच्छी वीडियो बना लूँ, ऐसे ही मुझे टिकटॉक पे भी कभी व्यू ही नहीं अच्छा मिलता कि कहाँ खड़े हो के मेरा अच्छा व्यू आएगा, जहाँ मैं अच्छा मतलब अच्छी लगूँ। व्यू पीछे अच्छा आना चाहिए, घर का गंद और घर की बिखरी चीज़ें वीडियो में ना आए, इसलिए व्यू ढूंढना भी टिकटॉकर के लिए बहुत बड़ा मसला है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं और घर के वो लोग जो टिकटॉक नहीं बनाते, जो कैमरा शाय हैं, जो कैमरे में नहीं आना चाहते, उनसे हट हटा के स्पेस दे के कैसे वीडियो बनाई जाए कहीं वो कैमरे में ना आ जाए, उनसे यूं बच के जब हम वीडियो बनाते हैं, वो भी एक इशू है टिकटॉकर्स के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से टिकटॉकर्स को कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये जो मैंने बताई है ये भी कम है, कईयों को इससे भी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कईयों के पास अच्छा कैमरा नहीं होता लेकिन उन्हें शौक बहुत होता है मेरी तरह एक्टिंग करने का। शाहरुख खान, उनका जो अंदर का शाहरुख खान है ना, वो निकल के बाहर आना चाहता है लेकिन वो नहीं आ पाता क्योंकि उनके पास अच्छा कैमरा नहीं होता। तो लिहाजा अगर कोई अपनी वीडियो बना के पोस्ट करता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अगर वो वल्गर नहीं है, अगर वो बुरी नहीं है, अगर उसका कॉन्टेंट अच्छा है तो लाजम आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके साथ ही हम आज के व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।